नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। आप हमसे जुड़े, हम आपको कराएंगे समाचारों से रूबरू। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कैंसिल कर दिए जाने को लेकर एबीवीपी ने मनाया काला दिन। परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य ने कहा, एसटीईटी की परीक्षा रद्द करना बिहार के हजारों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार ने किया खिलवाड़। सरकार इस पर करे पूर्ण विचार, नहीं तो एबीवीपी चलाएगा चरणबद्ध आंदोलन। अब सुनिए खबर विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करने के विरुद्ध काला दिवस के रूप में मनाया। इसमें बिहार के हजारों छात्रों ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सह मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य सुजीत पासवान ने राजनगर में संबोधित करते हुए कहा कि एसटीईटी की परीक्षा रद्द करना बिहार के हजारों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। इस पर सरकार पूर्ण विचार करे, अन्यथा परिषद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सुजीत पासवान ने कहा, एसटीईटी एग्जाम कैंसिल के मामले में माननीय हाई कोर्ट का फैसला जब 22 मई को आना था, तो कोर्ट के डिसीजन से पहले एग्जाम कैंसिल करने का फैसला बोर्ड के द्वारा क्यों लिया गया। उन्होंने कहा, स्कूल में नए बहाली को रोकने का प्रयास क्यों किया गया। बिहार के 2950 नए हाई स्कूल में नौवीं की पढ़ाई जब सेशन 2020 से शुरू करने का सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था, तो बिना शिक्षक बहाली के नए स्कूल में पढ़ाई होगी कैसे। प्राथमिक को मध्य, मध्य को हाई तथा हाई स्कूल को इंटर स्कूल में उत्क्रमित करने का सरकार ने आदेश क्यों दिया। बिना शिक्षक बहाली के पढ़ाई होगी। यदि शिक्षक बहाली होती तो लॉकडाउन में लाखों बेरोजगार युवकों को बिहार में ही रोजगार मिल जाता। लेकिन शिक्षक बहाली रोकना आखिर सरकार ने क्यों फैसला लिया। सरकार हाई स्कूल में रिटायर्ड शिक्षक से पुनः सेवा लेना क्यों जरूरी समझा। कम से कम उतना नए युवकों को रोजगार मिल सकता था। उच्च शिक्षा जैसी बर्बादी का खड्यंत्र प्राथमिक शिक्षा में भी क्यों हो रहा है। शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों। प्राथमिक, मध्य, हाई एवं इंटर स्कूल में शिक्षकों की बहाली कब तक। श्री पासवान ने कहा कि एसटीईटी की परीक्षा रद्द करने का निर्णय गलत था। कहीं बिहार शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट तंत्र के नतमस्तक हो गई है, जिसका परिणाम है कि लाखों युवाओं के भविष्य की परवाह किए बिना परीक्षा रद्द करने का आत्मघाती निर्णय लिया गया। श्री पासवान ने कहा, 8 वर्षों के बाद एसटीईटी की परीक्षा आयोजित हुआ। 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। प्रदेश के बेबस लाचार युवाओं को उनके बदहाली पर छोड़ने के लिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय हुआ। उन्होंने कहा, सुनियोजित तरीके से एक तरफ 34,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली को लेकर अधिसूचना जारी की गई, वहीं दूसरी ओर एसटीईटी की परीक्षा रद्द किया गया। इस प्रकरण में गहरी साजिश प्रतीत हो रही है। सरकार इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा एबीवीपी कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर विभाग संयोजक राकेश साहू, राजन कुमार, नगर मंत्री मनीष कुमार, अभय प्रकाश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको क्या न्यूज का समाचार यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।